संदीप, ऑफिस के सारे काम धंधे छोड़कर तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, वो हम भैया से डिजाइनिंग का कॉन्सेप्ट सीख रहे थे। डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट सीख रही थी या टाइम पास कर रही थी यहाँ पर? और संदीप, तुम इसके साथ यहाँ पे टाइम पास कर रहे हो? ऑफिस के अंदर कुछ काम नहीं है क्या? जाओ जाके अंदर अपना काम करो। सॉरी सर। और तुम अपने काम पे ध्यान दो। ये डिजाइनिंग विजाइनिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्यून हो, सैलरी भी प्यून की लेती हो। अगली बार मुझे यहाँ पे इस तरह का कुछ करते हुए नजर नहीं आनी चाहिए तुम, समझे? तुम जाओ जाके मेरे लिए कप कॉफी लेके आओ। रश्मि, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? सर, वो हम संदीप, आई हैव नॉट एक्सपेक्टेड दिस टाइप ऑफ अनप्रोफेशनलिज्म फ्रॉम यू। मैंने उस दिन भी तुम्हें समझाया था, लेकिन उसके बावजूद तुम आज इसे केबिन के अंदर बिठा के टाइम बर्बाद कर रहे हो। सॉरी सर, लेकिन मैं उसे लोगो डिजाइनिंग सिखा रहा था। क्यों? इसके अंदर एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनने का पोटेंशियल है सर। संदीप, ये प्यून है, क्या करेगी डिजाइनिंग सीख के? देखो, तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। एक भिखारी को अगर तुम सोने की कटोरी भी लेके दे दोगे ना, उसमें भी वो भीख ही मांगेगा। पर तुम्हें डिजाइनिंग सीखनी है ना? हाँ सर, हमें हमेशा से ही बहुत पसंद है, बस पैसों की कमी की वजह से कभी सीख नहीं पाए। तो ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल देता हूँ, फिर आराम से संदीप के घर पे जाके ना जितना जी चाहे उतना डिजाइनिंग सीख लेना। सर, हमें प्लीज नौकरी से मत निकालिए, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। क्यों, क्या हुआ, अब क्यों मना कर रही हो? अरे, तुम्हें यहाँ काम करने से ज्यादा अच्छा तो डिजाइनिंग सीखना लगता है ना। नहीं नहीं साहब, अब से हम कभी डिजाइनिंग नहीं सीखेंगे, आप बस हमें नौकरी से मत निकालिए। हाँ सर, आज कल ऐसा नहीं होगा सर। तो ठीक है, नहीं निकालता मैं तुम्हें नौकरी से, लेकिन आज के बाद मुझे तुम दोनों एक साथ दिखने नहीं चाहिए, समझे? जाओ जाके अपना काम करो। ये बुक कहां से आई तेरे पास? अरे, उस दिन के बाद भी तेरे सर से ये डिजाइनिंग का भूत उतरा नहीं क्या? पिछले 10 मिनट से तुझे ढूंढ रहा हूं और तू यहां बैठी है डिजाइनिंग किताब पढ़ रही है। सॉरी सर, लंच टाइम था ना तो हम बाहर आ गए थे, हमें सच में पता नहीं चला सर। अरे, पता कहां से चलेगा तुझे, तेरा ध्यान कहां रहता है काम में? तुझे तो ग्राफिक डिजाइनर बनना है ना, औकात तेरी प्यून बनने की भी नहीं है। सर, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तेरी नौटंकी बहुत बढ़ गई है, अब तुझे निकालना ही पड़ेगा। नहीं नहीं सर, प्लीज हमें काम से मत निकालिए सर। सर प्लीज, आपको तो पता है ना हमारे लिए नौकरी कितनी जरूरी है सर। सर, इस नौकरी से हमारा घर चलता है सर, हम अपने भाई के स्कूल का खर्चा उठा पाते हैं। चल ठीक है ठीक है, लेकिन लेकिन ये आखिरी चांस है तेरे लिए। अगर अगली बार मैंने तुझे इस तरह से कभी भी संदीप के साथ या यहाँ वहाँ बैठ के डिजाइनिंग किताब पढ़ते हुए देख लिया ना, तो समझ लेना कि वो दिन तेरा ऑफिस में आखिरी होगा, समझे? तुम औकात भिखारी की नहीं है, और महल में रहने के सपने देखना इनको। एक बार दोबारा से फोन कर देना उनको। सर, सर, प्रॉब्लम हो गई है। क्या हो गया, इतना परेशान क्यों? सर, संदीप का एक्सीडेंट हो गया है, वो 2 महीने ऑफिस नहीं आ पाएगा। क्या? लेकिन वो तो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। अरे, उसी प्रेजेंटेशन को मुझे कल दिखाना है यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सर, आप परेशान ना होइए, मैं और डिजाइनर से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो हरपाल जी, हमारे ब्रांड के लिए आपके पास क्या आइडियाज़ हैं? सर, थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और हमारे यहाँ पर आए, लेकिन सर एक छोटी सी प्रॉब्लम थी सर। सर सॉरी सर, मैं लेट हो गया।
सर एक्चुअली मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए सर मुझे आने में लेट हो गया, बट मैं प्रेजेंटेशन लेके आया हूँ सर, आप बैठिए मैं प्रेजेंट करता हूँ। गुड इवनिंग सर। सर आपके ब्रांड के लिए हमने ये लोगो डिसाइड किया सर। तो कैसा लगा सर आपको प्लान? मुझे प्रेजेंटेशन तो काफ़ी अच्छी लगी आपकी, और खासकर ये लोगो हरपाल जी, ये डील पक्की समझे? सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सर आगे की जो भी स्ट्रेटजी है वो हम बाद में डिसाइड कर रहे थे सर। ठीक है हरपाल जी। स्पष्ट थैंक यू सो मच। ये सब तुमने कब किया? सर ये सब मैंने नहीं किया है सर, ये रश्मि का काम है। क्या? हाँ सर। सर आप मेरे साथ एक बार अंदर चलेंगे, मुझे आपसे कुछ काम था। देखो रश्मि अभी नहीं, ऑलरेडी क्लाइंट्स आने वाले हैं और प्रेजेंटेशन की बहुत टेंशन है, प्लीज तुम बाद में आना। सर मुझे आपसे उसी से रिलेटेड बात करनी थी, आप एक बार अंदर तो चलिए। सर ये आज की प्रेजेंटेशन का लोगो, मुझे संदीप सर ने कॉल किया था, उन्होंने बताया क्या क्या करना है और मैंने कर दिया, अब आप इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ये तुमने अकेले बनाया है? जी सर, बस संदीप सर ने गाइड किया था और मैंने कर दिया। रश्मि ने अकेले किया ये सर? यस सर, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, उसने इतने कम टाइम पे ये लोगो कंप्लीट करके हमें दिया, वरना तो सर आज हमारी कंपनी की रेपुटेशन को कुछ भी हो सकता था। कहाँ है वो? सर वो बाहर वेट कर रही है, सर मैं उसे अंदर भेजता हूँ। रश्मि ये तुमने बनाया? जी सर। आज तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया। रश्मि मैंने हमेशा डिजाइनिंग को लेकर तुम्हारी बहुत इंसल्ट की, तो मैं हमेशा इससे दूर रहने के लिए कहा मैंने, और देखो आज इसी डिजाइनिंग में तुमने हमारी सबसे बड़ी हेल्प की। सर जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा देंगे तो वो भीख ही मांगेगा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम्हें डिजाइनिंग सीखनी है, मैं तुम्हारे लिए एक ट्यूटर हायर करूंगा जो इसी ऑफिस में हर रोज तुम्हें कम से कम एक घंटा सिखाएगा। सच में सर? हाँ थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।